देखिए यहाँ पे जो तीसरी कोशिका की बात करेंगे हम, वो तीसरी कोशिका कौन सी है? पैनित कोशिका। पैनित कोशिका। अब देखिए ये जो पैनित कोशिका है, यह है पैनित कोशिका लाइसोजाइम का स्त्रवण करती है। किसका स्त्रवण करेगी? लाइसोजाइम का स्त्रवण करने का कार्य करती है। यह लाइसोजाइम एक एंजाइम है। क्या करेगा यह एंजाइम? यह एंजाइम बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। तो ये जो लाइसोजाइम है क्या करेगा? बैक्टीरिया अर्थात जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायता करता है। अब भोजन की सहायता से जो आप जीवाणु ग्रहण करते हैं या जो भोजन के साथ जीवाणु प्रवेश करते हैं आपकी बॉडी में, सबसे पहले तो वो स्टमक में, सबसे पहले तो मुख में ही नष्ट हो जाएंगे, फिर मुख के बाद स्टमक में भी उन्हें जो HCLS के प्रभाव में नष्ट हो जाएंगे। और यदि वो जो आपके बैक्टीरिया है वो आपके छोटी आंत तक पहुंच जाते हैं तो छोटी आंत के द्वारा क्या स्त्रवित किया जाता है? लाइसोजाइम। यह लाइसोजाइम क्या करेगा? जो जीवाणु की कोशिका भित्ति है इस सेल वॉल को नष्ट करने का काम करते हैं। जब कोशिका भित्ति ही नष्ट हो जाएगी तो जीवाणु भी क्या हो जाएगा? आपका नष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपके पास लीवर कोहन की ग्रंथिकाओं में आंत ग्रंथियां होती है, ये निम्न तीन कोशिकाएं विभिन्न पदार्थों का स्त्रवण करती है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें विशेष कोशिका के बारे में, तो यहाँ पे आपके पास लसिका कोशिकाएं प्रेजेंट होती है या लसिका वाहिनियां प्रेजेंट होती है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? आंत्र की। छोटी आंत्र में लसिका वाहिनियां उपस्थित होती है। इन लसिका वाहिनियों में जो लसिका ग्रंथियां होती है उन्हें हम बोलते हैं पेयर के समूह, पेयर्स पैचेज। क्या बोलेंगे इन्हें? पेयर के समूह। तो क्या कह रहे हैं, देखिए छोटी आंत में जो आपकी श्लेष्मिका है, इन श्लेष्मिका में क्या पाई जाती है? कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जिन्हें हम क्या बोल देते हैं? लसिका वाहिनियां या लसिका ग्रंथियां। ये लसिका ग्रंथियां क्या करती है? पेयर के समूह, पेयर्स पैसेज बनाती है। और ये जो पेयर के समूह है ये आपकी इम्यूनिटी में यानी कि प्रतिरक्षा में सहायक होते हैं। किसमें सहायक है? प्रतिरक्षा में सहायक होते हैं। तो देखा हमने आंत्र की संरचना। तो देखिए एक बार दोबारा से हमने क्या कहा कि आंत्र में अधःश्लेष्मिका और श्लेष्मिका दोनों कुंडलित हो जाएंगी और क्या बना देती है? केक रिंग के वलन बना देती है। इनके ऊपर क्या पाया जाएगा? ब्रश पाउडर पाया जाता है जो कि सूक्ष्मांकुर या रसांकुर की सहायता से निर्मित होता है। क्या करेगा ये? अवशोषणकारी सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अवशोषण में कौन सहायता होता, सहायता करते हैं? सूक्ष्मांकुर द्वारा निर्मित ब्रश पाउडर इसमें सहायता करते हैं। फिर हमने कहा लीवर कुहन की ग्रंथिकाएं पाई जाती है जो कि आंत्र में ही उपस्थित होती है। इसमें कलश कोशिका, श्लेष्मका, आंत्र कोशिका, जलपघट्टीय पदार्थों का और जो पेनित कोशिकाएं हैं ये लाइसोजाइम का स्त्रवण करती हैं। इसके अतिरिक्त छोटी आंत का जो ग्रहणी वाला भाग है, इस छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में यकृत क्या है? यह हमारी पाचक ग्रंथि है। साथ ही साथ हम बात करते हैं अग्नाशय, ये भी पाचक ग्रंथि है। ठीक है, तो यकृत सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, अग्नाशय दूसरे नंबर की है। और थर्ड हमारे पास क्या होती है? लार ग्रंथियां। तो देखिए ये जो यकृत और अग्नाशय जहां पे खुलती है ग्रहणी में, यहाँ पे क्या पाई जाएंगी आपके पास? ओड्डी की अवरोधनी पाई जाती है। क्या पाई जाएगी? ओड्डी की अवरोधनी यहाँ पे आपकी छोटी आंत में उपस्थित होती है। छोटी आंत के कौन से वाले भाग में उपस्थित होंगी? ग्रहणी वाले भाग में ओड्डी की अवरोधनी उपस्थित होती है। तो इस तरीके से आज हमने छोटी आंत को कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में। तो देखिए अब हम बात करते हैं किसकी? बड़ी आंत की यानी कि वृहद आंत्र की। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हुआ हमारा? वृहद आंत्र या बड़ी आंत्र, क्या बोलेंगे इसे? लार्ज इंटेस्टाइन। तो क्या स्टार्ट किया हमने अब नेक्स्ट? वृहद आंत्र या बड़ी आंत, जिसे हमने क्या बोल दिया है? लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन केवल नाम के लिए ही वृहद है, एक्चुअली में छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से ज्यादा होती है। लेकिन जो बड़ी आंत्र है इसका व्यास ज्यादा होता है यानी कि इसकी मोटाई ज्यादा होती है। किससे? छोटी आंत से। तो छोटी आंत से इसकी मोटाई ज्यादा होती है। अब यदि हम इसकी बात करें तो इसमें भी वही तीन भाग पाए जाएंगे, तीन भाग उपस्थित या इसे तीन भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से हैं वो तीन भाग देखते हैं। देखिए सबसे पहला भाग जहां पे छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है, यहाँ पे जो भाग होता है इसे क्या बोल देते हैं? उंडुक। क्या बोला जाएगा? उंडुक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? सीकम। क्या
क्या बोल देंगे इसे? सीकम। सेकंड जो इसका भाग है इसे हम क्या बोल देंगे? बृहदान्त्र। और जो तीसरा इसका भाग है वो किस में रूपांतरित हो जाता है? मलाशय या रेक्टम में रूपांतरित हो जाता है। तो देखिए छोटी आंत के तीन भाग है, उंडुक यानी कि सीकम, बृहदान्त्र और मलाशय। उंडुक वह भाग है जहां पे आपकी छोटी आंत जुड़ती है। छोटी आंत का जो ईलियम वाला भाग है यानी कि छुदांत्र वाला भाग है वो कहाँ जुड़ेगा? आपके उंडुक वाले भाग से। तो यहाँ पे जहां पे छोटी और बड़ी आंत जुड़ती है यहाँ पे कपाट पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं त्रिकांत्र कपाट। क्या बोल देंगे इसे? त्रिकांत्र कपाट। तो इसे क्या बोल दिया जाता है इसके अलावा? इलियोसीकल वॉल्व या कपाट। क्योंकि छोटी वाली आंत का तो ईलियम वाला भाग और बड़ी आंत का सीकम वाला भाग, तो यहाँ पे जो कपाट पाया जा रहा है कौन सा कपाट हो गया? इलियोसीकल कपाट या इलियोसीकल वॉल्व। देखिए हमने कहा था कि छोटी आंत जुड़ रही है और छोटी आंत से क्या जुड़ गई? आपकी बड़ी आंत जुड़ गई। तो ये जो आपके पास हो गया ईलियम वाला भाग और ये कौन सा हो गया? सीकम वाला भाग। तो यहाँ पे एक कपाट पाया जाता है, अवरोधनी पाई जाती है, जिसे क्या बोल दिया? इलियोसीकल कपाट। ये क्या करता है? भोजन को बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने दे, सॉरी छोटी आंत से बड़ी आंत में तो जाने देता है लेकिन विपरीत दिशा में जाने नहीं देता। फिर यहीं पे हमारे पास कृमी रूपी परिशेषिका, कृमी रूपी परिशेषिका दैट मीन्स अपेंडिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास अपेंडिक्स भी उपस्थित होता है और ये अपेंडिक्स क्या है? हमारा अवशेषी अंग। कैसा अंग है ये? अवशेषी अंग है, अर्थात आज इसका हम में कोई भी इम्पोर्टेंस है, कोई भी इसका काम नहीं है, कोई इसका महत्व नहीं है। यदि ये नहीं उपस्थित होगा तो भी हमारे पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया? ठीक है, फिर छोटी आंत का आपका उंडुक वाला भाग कहाँ खुलेगा? बृहदान्त्र में खुलेगा। बृहदान्त्र के भी तीन भाग है आपके पास, एक तो आपके पास हो जाएगा आरोही भाग, एक इसका भाग हो जाएगा अनुप्रस्थ भाग और एक इसका भाग हो जाता है अवरोही भाग, और लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा? आपका मलाशय, जिसमें अपचित भोज्य पदार्थ इकट्ठे होते हैं। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि क्या है? गुदा। एनस, एनस के द्वारा या गुदा के द्वारा अपचित भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। क्या निकाला जाएगा? यहां से अपचित भोज्य पदार्थों का बहिक्षेपण किया जाता है। इसकी सहायता से अपचित भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है और इसके लिए यहां पे क्या पाई जाती है? अवरोधनी। यहाँ पे क्या उपस्थित होगी? आपकी अवरोधनी उपस्थित होगी, और जिसमें आपके पास दो तरह की अवरोधनी होती है, अंदर वाली चिकनी पेशियों से निर्मित और बाहर वाली रेखित पेशियों से निर्मित। हमें पता है चिकनी पेशियां कैसी होती है? अनैच्छिक, और रेखित पेशियां कैसी होती है? ऐच्छिक। तो इस तरीके से हमने आहार नाल के विभिन्न भागों को पढ़ लिया है। हमारे क्या हो गए? आहार नाल के विभिन्न भाग क्या हो गए हैं? आज कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में? आपकी आहार नाल की जो ग्रंथियां हैं, जिसे हम बोलते हैं पाचक ग्रंथियां, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।